नमस्कार मित्रों, भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बस में कंडक्टर ने महिला यात्री से किया रेप, भाई बताकर विश्वास में लिया और बंधक बनाकर रात 3 बजे तक दरिंदगी की। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर चौराया से भरतपुर जाने के लिए एक लोक परिवहन बस में सवार हुई महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। दरअसल सोमवार की रात 11 बजे बस के कंडक्टर ने 3 बार महिला के साथ दरिंदगी की। बयाना के ASP ओम प्रकाश गिलानिया ने बताया कि महिला को बस के कंडक्टर ने पहले बस में बैठा दिया, इसके बाद डरा धमका कर रात में बस के अंदर ही रेप किया। मंगलवार सुबह महिला ने पुलिस को आपबीती सुनाई, इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद बस को भी जब्त कर लिया। महिला डींग जिले की रहने वाली बताई जा रही है। वहीं इसके बाद पुलिस ने बताया कि महिला शादीशुदा है, लेकिन पति से अनबन के कारण वह काम की तलाश में जयपुर आई थी और वापस लौटते समय बस कंडक्टर ने उसे झांसा दिया और उसके बाद बस कंडक्टर ने बस का गेट लॉक लगाकर पीड़ित महिला के साथ ज्यादती की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है।